हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनेंगे सुपर हीरो और साथ साथ करेंगे सुपर रेस। रेस में तो मैं ही जीतूंगा। अरे ये देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें स्पाइडरमैन बनना है। चलो दोस्तों, यहाँ पर स्पाइडरमैन बनते हैं। अरे हाँ, सबसे पहले हमें मास्क पहनना होगा ताकि कोई हमें पहचान ना पाए हम कौन है। और साथ ही साथ अपने सूट को कंप्लीट करना होगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, अब बस यहाँ पर दो पीस रह गए हैं, उसके बाद हम स्पाइडरमैन बन जाएंगे। अरे हाँ यार, यहाँ पर हमारा दो पीस कंप्लीट हो चुका है और ये देखो हम यहाँ पर स्पाइडरमैन बन चुके हैं और यहाँ पर हम रेस जीत भी चुके हैं। ये देखो दोस्तों, ये तो मेरा फेवरेट हीरो है। अरे हाँ, ये तो मेरा फेवरेट हीरो है, इसका नाम हल्क है। ये मुझे बताने की लोड नहीं है। अरे ये क्या हुआ, अरे बेवकूफ, यहाँ पर हमें हल्क बनना है ना कि स्पाइडरमैन। मैं तो उसको टेस्ट करके देख रहा था, ये देखो मैंने कितनी लंबी जंप मारी। अरे वाह जी, तुमने काफी बढ़िया काम करा, लेकिन अभी हमें थानोस से लड़ना होगा। तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, उसके आने से पहले पहले मैं हल्क बन जाऊंगा। अरे हाँ यार, हमें हल्क बनना होगा ताकि हम थानोस को हरा पाए। अरे वो देखो थानोस का बच्चा। अब देखो मैं उसे कैसे मजे चखाता हूँ। अरे हाँ यार, हमें उसे मजे चखाना होगा, यहाँ पर हमें उसे पूरी पावर से हमला करना होगा। तुम उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे ये देखो, अब हमें फिर से हल्क बनना होगा, ये तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। चलो दोस्तों, यहाँ पर हल्क को बनाते हैं। अरे नोबिता, जरा सामने देखो, वो एक चोर का बच्चा है। कोई बात नहीं, उसे सबक सिखाता हूँ। अरे ये क्या, तुम उसे मार नहीं पा रहे? अरे हाँ यार, मैं उसे मार नहीं पा रहा। अरे बेवकूफ, तुम उसको इसलिए नहीं मार पा रहे हो क्योंकि तुम अभी यहाँ पर हल्क बने नहीं हो। अरे हाँ, लगता है यहाँ पर हमें पूरा हल्क बनना होगा तभी हम चोर के बच्चे को मार पाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुम्हें हल्क बनने के लिए तुम्हें ढेर सारा गुस्सा आना चाहिए। अरे हाँ यार, हमें गुस्सा आना चाहिए तभी हम यहाँ पर हल्क बन पाएंगे। अरे नोबिता, तो तुम फटाफट से गुस्सा हो जाओ क्योंकि आगे तीन चोर और थानोस है। अरे अब देखो मेरा गुस्सा, हल्क बन जा बन जा, देखो मैं हल्क बन चुका हूँ। अरे वाह नोबिता, तुम तो हल्क बन चुके हो, तुमने यहाँ पर सबको मार दिया, मुझे तो बहुत मजा आया। अरे ये देखो गाइस, अब मुझे कैप्टन अमेरिका बनना है। अरे वाह, कैप्टन अमेरिका तो सबसे बढ़िया सुपर हीरो है। अरे ये क्या, मेरे पास तो यहाँ पर डेडपूल की तलवार आ गई। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तुम किसी को भी गाजर मूली की तरह काट सकते हो। तो ठीक है ना, यहाँ पर तुम थानोस को गाजर मूली की तरह काटना। अरे बोचैन, वो सामने देखो थानोस है। अरे मैं अब बोचैनी, मैं कैप्टन अमेरिका हूँ। अरे यार तुम जो भी हो, सामने थानोस है, तुम्हें उसे लड़ना होगा। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, देखो मैंने उसे कितनी बढ़िया लात मारी। ओके गाइस, अब मेरी बारी है और देखो मैं कितने बढ़िया तरीके से खेलता हूँ। नहीं अब बारी मेरी है और देखो यहाँ पर मैं आयरन मैन बनूंगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें यहाँ पर कैप्टन अमेरिका बनना है। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पर कैसे गेम को खेलते हैं, मैं यहाँ पर आयरन मैन बन के दिखाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। अरे ये देखो, तुम्हारे चक्कर में हमारा प्लेयर कितना ज्यादा कमजोर हो गया है, तुम्हें यहाँ पर कैप्टन अमेरिका बनना होगा। हे नोबिता, तुम बिल्कुल चुप रहो, यहाँ पर देखो मैं आयरन मैन बन के दिखाता हूँ। अरे नोबिता बिल्कुल सही कह रहा है, जियान तुम्हारे चक्कर में हम हार जाएंगे। हे बोचैन, तुम अपनी जुबान बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान में ताला लगा दूंगा। अरे ये देखो, यहाँ पर हम हार चुके हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे हाँ, यहाँ पर हमें दोबारा मौका मिला है, इस बार हम जीत के दिखाएंगे। अरे हाँ यार, इस बार हम जीत के दिखाएंगे। अरे जियान, तुम हमसे दूर रहना। हे नोबिता, वो सुपर हीरो एकदम बेकार था, वो एकदम बेकार खेल रहा था। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब देखो मैं तुम्हें जीत के दिखाता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैप्टन अमेरिका एकदम बेकार हीरो है और वो किसी को भी नहीं हरा सकता। अरे अभी तुम देख रहे हो, यहाँ पर मैं कैसे सबको हराऊंगा। अरे हाँ नोबिता, दिखा दो कि कैप्टन अमेरिका में कितनी जान है। ओके गाइस, यहाँ पर तुम फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं इसे हरा पाऊँ। अरे नोबिता, तुम इसको हरा दोगे, कैप्टन अमेरिका ओपी। अरे ये देखो गाइस, यहाँ पर हम सभी सुपर हीरो के मिक्स हो चुके हैं, लेकिन सामने की तरफ देखो कितने ज्यादा गुंडे हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सब गुंडे तो हम एकदम चींटी की तरह मसल देंगे। अरे हाँ यार, ये वाला सुपर हीरो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, इसके पास देखो स्टॉप ब्रेकर भी है और साथ ही साथ में जूनियर भी है, इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो हमें कितने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। पैसे का नाम सुनते ही मेरा मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। अरे जरा ये देखो, सामने तो एक बहुत बड़ी तिजोरी है, इसमें हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अरे ये देखो गाइस, अब हमें यहाँ पर आयरन मैन बनना है। आयरन मैन भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसके पास खतरनाक रोबोट होते हैं। बिल्कुल यार, आयरन मैन मेरा भी सबसे फेवरेट हीरो है क्योंकि ये मेरे ही जितना अमीर है। अरे गाइस जरा सामने देखो, ये तो तलवार है, इसे हम ले लेते हैं। अब बस यहाँ पर हम आयरन मैन बनने वाले हैं, अब बस हमारा हेलमेट हमको चाहिए। अरे हाँ यार, जैसे हमें हेलमेट मिल जाएगा हम तो आसमान की सैर करेंगे और साथ ही साथ दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। पहले इसको मारते हैं, उसके बाद अब इसकी बारी है। हाँ यार, हमें इसे बहुत जोर के मारना पड़ेगा ताकि इसको सबक मिल जाए कि आयरन मैन से लड़ना बेवकूफी होगी। ओके गाइस, अब हम बनेंगे यहाँ पर थॉर और ये मेरा सबसे फेवरेट सुपर हीरो है क्योंकि ये एस्गार्ड का राजा है जैसे कि मैं। अरे तुम कहीं का राजा नहीं हो। अरे यार, मैं भी अपने घर का राजा हूँ। अच्छा तो ये बात है, जरा सुनिए, वो देखो तुम्हारी मम्मी आ रही है। अरे कहाँ कहाँ है मेरी मम्मी? अरे ये क्या, राजा तो डर गया। अरे
भोजन ऐसा मजाक मेरे साथ बिल्कुल मत करना, मुझे अपनी मम्मी से बहुत डर लगता है। अरे जरा ये देखो, हम यहाँ पर थोर बन चुके हैं और ये देखो हमने एक बंदे को मारा, अब हमें इस शार के बच्चे को सबक सिखाना होगा। तुम टेंशन मत लो, ये देखो मैंने इसको मार दिया। अरे ये क्या, ये तो जोकर है। जोकर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अरे लेकिन ये तो सुपर विलन है, ये तुम्हें कैसे पसंद हो सकता है? मुझको विलन लोग बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये सबको परेशान करते हैं। अरे हाँ, क्योंकि तुम भी सबको परेशान करते हो इसलिए तुम्हें ये वाला विलन पसंद आता है। नोबिता तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे विलन लोग बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तभी मैं यहाँ पर जोकर बना हूँ। अरे यार लेकिन जोकर एकदम कमजोर होता है, वो तो हर वक्त बैटमैन से मार खाता रहता है। लेकिन इस बार ऐसे नहीं होगा, ये जोकर सबसे जीत के रहेगा और ये देखो मैं इसको कितनी बुरी तरीके से मारता हूँ। अरे वाह, तुम तो लात घुमा घुमा के उसको मार रहे हो बिल्कुल किसी लट्टू की तरह। अरे ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अब खेलने की बारी मेरी है। अरे ये क्या, तुम तो वेनम बनने वाले हो। अरे हाँ यार, वेनम भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अरे लेकिन वो स्पाइडरमैन का दुश्मन है। अरे उसकी कोई बात नहीं, लेकिन ये वेनम का बच्चा बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे ये क्या, तुम्हारे पास तो स्टॉर्म ब्रेकर भी आ गया है, इसका मतलब तुम अभी काफी ज्यादा ताकतवर हो। अरे हाँ यार, अब मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, एक तो मेरे पास डेडपूल की तलवार और साथ ही साथ स्टॉर्म ब्रेकर भी है। यही मौका है इन सबको सबक सिखाने का। अरे लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर वेनम का मास्क पहनना होगा। और ये देखो तुम वेनम बन चुके हो, जाके उसको मजा सिखा दो। अरे हाँ, अब देखना मैं इस मछली के बच्चे को कैसे सबक सिखाता हूँ। अब खेलने की बारी मेरी है और देखो यहाँ पर मुझे आयरन मैन बनना है। अरे हाँ चलो फटाफट से आयरन मैन बन जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं अभी आयरन मैन बनने के मूड में नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर कैप्टन अमेरिका बनना है। अरे ऐसा मत करो, यहाँ पर तुम फिर से हार जाओगे। हे नोबिता, तुम मुझे मत सिखाओ, पिछली बारी में जान के हार गया था लेकिन इस बारी में बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। अरे हाँ, तुम्हें यहाँ पर आयरन मैन बनना होगा तभी तुम यहाँ पर जीत पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखो मैं यहाँ पर कैप्टन अमेरिका बनके भी जीत सकता हूँ। अरे ऐसा मत करो, तुम हमें हरा दोगे, अगर हम हार जाएंगे सारे पैसे वापस करने होंगे। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर जियान कभी भी नहीं हार सकता। जियान तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। थैंक्स सुनियो मेरा साथ देने के लिए। अरे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर तुम हार जाओगे। अरे ये देखो यहाँ पर हम हार चुके हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करके। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं हारा हूँ सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन करके। आयरन मैन एक नंबर का टट्टी सुपर हीरो है। अरे क्या बोला, आयरन मैन को टट्टी बोला? अरे तू भी टट्टी और साझा सुनियो भी टट्टी। अरे आरोपिता तू बिल्कुल सही कह रहे हो, इनको खेलना तो आता नहीं है और सारा इंजाम सुपर हीरो पे लगा देते हैं। अरे हाँ यार, अब देखना मैं तुम्हें जीत के दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे गेम को खेलते और जीतते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आयरन मैन टट्टी है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखो कि आयरन मैन एक नंबर का टट्टी है। और अगर दोस्तों आपको लगता है आयरन मैन ओपी है तो यहाँ पर लिख दो आयरन मैन ओपी, देखते यहाँ पर कौन जीतता कौन हारता है। मुझे पता है यहाँ पर मैं ही जीतूंगा क्योंकि आयरन मैन एक नंबर का टट्टी है, वो सुपर हीरो है। अरे बिल्कुल भी नहीं, आयरन मैन ओपी है। वो सब कमेंट में पता लग जाएगा। अरे सबसे पहले थैनोस के बच्चे को मारो। अरे यार तुम उसके बिल्कुल टेंशन मत लो, ये देखो अब मैं इसको कितनी जोर के धक्का देता हूँ कि ये यहाँ से सात समुद्र पार जाएगा। ओके गाइस, अब खेलने की बारी मेरी है और देखो यहाँ पर मुझे कौन सा हीरो बनना है। अरे ये तो सुपरमैन है, इससे ज्यादा खतरनाक सुपर हीरो कोई भी नहीं है। अरे हाँ, और इसको खेलूंगा मैं और देखना यहाँ पर मैं कितना अच्छा सुपर हीरो बनता हूँ। इस सुपर हीरो की सबसे अच्छी बात एक यही है कि ये हवा में उड़ता है। अरे हाँ यार, काश ऐसी पावर मेरे पास होती तो मैं फटाफट से स्कूल जाता और मैं कभी भी लेट नहीं होता। नोबिता तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, इतनी सुपर पावर मिलने के बाद तुम खाली एक ही काम करोगे, खाली स्कूल जल्दी पहुंचोगे। अरे और नहीं तो क्या, मैं हमेशा लेट होता हूँ, सुपरमैन बनूंगा तो मैं स्कूल जल्दी जल्दी पहुंचूंगा और टीचर की डांट भी नहीं खाऊंगा। अरे यार नोबिता, तुम एक नंबर के बेवकूफ ही रहोगे। चलो गाइस हम गेम पे फोकस करते हैं। अरे सामने की तरफ थैनोस है, हमें अपनी पावर को बढ़ाना होगा। अरे यार तुम टेंशन मत लो, सुपरमैन के पास बहुत पावर है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ यहाँ पर प्यारा सा कमेंट करके ये बताओ कि आपको सबसे अच्छा सुपर हीरो कौन लगता है। मुझे पता है तुम सब मेरा नाम लोगे, जियान सुपर हीरो सबसे मस्त। और साथ ही साथ ऐसी मजेदार वीडियो अगर आप रोज देखना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो जो घंटी दिख रही है उसको भी दबा दो ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आपको रोज देखने को मिले।